बर्तन खबर भंडार। प्रदेश सरकार के खिलाफ घोटाला के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी हर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करी। सवे दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में पार्टी हर कांग्रेस सरकार के खिलाफ शराब घोटाला, पीएससी भर्ती घोटाला के आरोप लगाते हुए जम के नाराबाजी करी और मुख्यमंत्री ले इस्तीफा के मांग के संग आंदोलन और तेज करे के चेतावनी घलोक दे है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने आज एक बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आरोप यह है कि प्रदेश सरकार घोटालों में लिप्त है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी हैं। कोमल जी, आज किन घोटालों को लेकर आपका प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, प्रदेश की जनता ने बड़े उम्मीद के साथ, बड़े भरोसा के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। 36 वादे कांग्रेस पार्टी ने किया था। धरातल पे कोई वादे तो दिखाई नहीं दे रहे होर्डिंग और पोस्टर के अलावा। लगातार साढ़े चार साल में उन्होंने विकास तो किया नहीं, उनके काम तो धरातल पे दिखे नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ उन्होंने जरूर बनाया, घोटाले का गढ़ जरूर बनाया, और इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस बात को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। आज हम भूपेश बघेल जी का घेराव करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं, और उनको हम बताना चाहते हैं कि आपको जिस भरोसे के साथ प्रदेश की जनता ने चुनी थी उस काम को तो आपने नहीं किया, लेकिन आपने घोटाले का गढ़ बनाया है, इसलिए आपको इस पद नहीं है, आपको इस्तीफा देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसलिए आपको नहीं चुना था कि आप घोटाला करें, आपको कमी और भी गलत तरीके से भ्रष्टाचार करें, तो इसलिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बुलंद आवाज कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को उठा रही है। बीते दिनों जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ था उसमें कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या उन्हें रिहा किया जा चुका है या फिर अभी भी वो जेल में? अभी भी हमारे साथी, चार साथी जेल में है। क्रूरतापूर्ण रवैया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कर रही है। हम कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला हुआ, युवाओं के साथ हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को भी आज जेल में डाला गया है। ये क्रूरतापूर्ण रवैया कांग्रेस पार्टी का चलने वाला नहीं है। अब नवंबर में चुनाव है, सरकार को सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता। तो नवंबर में चुनाव और प्रदेश सरकार को सबक सिखाएगी आम आदमी पार्टी। हमारे साथ विजय झा जी भी है। विजय जी, जिस तरह से घोटालों का आरोप लगातार बीजेपी भी लगा रही है कांग्रेस सरकार पर, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह के घोटालों को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मौसेरे भाई, मिल बांट के खाई मलाई। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता का पीएससी में जिस हिसाब से परिवारवाद हुआ है, रिश्तेदारों को, बेटे को, बहू को, बेटी को, दामाद को, दत्तक पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है, इसी प्रकार शराब घोटाले में खुलेआम जो समाचार आ रहे हैं उसमें सौम्या चौरसिया जो मुख्य आरोपी है उसके सह आरोपी के रूप में मुख्यमंत्री जी उनके परिवार के लोगों का नाम आ रहा है। हम छत्तीसगढ़ सरकार का मुंह काला है, इसलिए कल काला झंडा दिखाने गए थे। हमारे काला झंडा दिखाने वाले युवा साथियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा गया है। आज हमारी मांग केवल तीन ठो है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ईडी में जो कार्रवाई हो रही है बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाए, और हमारे गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए, और पीएससी का सिटिंग जज से उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि पीएससी पहले भी घोटाला हुआ, आज भी घोटाला हुआ। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि जब पीएससी का घोटाला हुआ और हमने आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के एससी एसटी नवयुवकों का जो शोषण हुआ है उसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री निवास घेराव है। और हमारा एक ही सिद्धांत है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जो देश में भ्रष्टाचार मुक्त, कर्ज मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं, उस कड़ी में आज तपते धूप में रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री निवास के लिए काफिला कोमल हुपेंडी जी के नेतृत्व में जा रहा है। तो आज मुख्यमंत्री निवास घेराव की रणनीति आम आदमी पार्टी ने बनाई थी और अब घोटालों को लेकर लगातार प्रदर्शन की बात कही है। रायपुर से कैमरा पर्सन कपिल के साथ अमित शर्मा, टीवी 24।